एशिया का सबसे बड़ा एयर शो बंगलुरु में सफलतापूर्वक जारी। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साक्षी बंधन समारोह की करेंगे अध्यक्षता। 75,000 करोड़ के अनुमानित निवेश के साथ 251 समझौता ज्ञापनों पर किए जाएंगे। विधानसभा में भाजपा विधायक दल की हुई बैठक, राज्यपाल के लिए नामित गुलाबचंद कटारिया का किया गया सम्मान। राज्यपाल कलराज मिश्र से राजभवन में असम के नामित राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने की भेंट। मिश्र ने कटारिया को राज्यपाल के तौर पर भावी कार्यकाल के लिए दी शुभकामनाएं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाएं आज से शुरू। परीक्षा के लिए देशभर में 7,200 से ज्यादा बंद हो चुके। और प्रदेश में फिर से बदला मौसम का रुख, उत्तरी हवाओं का प्रभाव कम होने से तापमान में 4 से 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी की गई दर्ज। नमस्कार, सुबह 10 बजे के हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत। मैं आपके साथ राकेश वशिष्ठ। और बुलेटिन की शुरुआत बंगलुरु में चल रहे एयर शो की खबर के साथ। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो बंगलुरु में सफलतापूर्वक जारी है। इस शो के दौरान आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साक्षी बंधन समारोह की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान 75,000 करोड़ के अनुमानित निवेश के साथ 251 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसके साथ ही वार्षिक रक्षा नवाचार कार्यक्रम मंथन का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न स्टार्टअप्स के साथ रक्षा क्षेत्र में विकास कार्यों पर चर्चा की जाएगी। एशिया का सबसे बड़ा एयरो शो बेंगलुरु में सफलतापूर्वक जारी है। रक्षा मंत्री इस कार्यक्रम की अध्यक्षता में आज प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण, उत्पाद लॉन्च और अन्य प्रमुख घोषणाओं पर हस्ताक्षर करने के साक्षी बंधन समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में विभिन्न भारतीय विदेशी रक्षा कंपनियों और संगठनों के बीच साझेदारी के लिए 75,000 करोड़ रूपये के अनुमानित निवेश के साथ 251 ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है। इसके साथ ही आज वार्षिक रक्षा नवाचार कार्यक्रम मंथन का भी आयोजन होगा। इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस द्वारा आयोजित किया जा रहा मंथन प्लेटफॉर्म प्रमुख इनोवेटर्स, स्टार्टअप्स, एमएसएमई, इंक्यूबेटर्स, शिक्षाविदों और रक्षा और एरोस्पेस पारिस्थितिकी तंत्र के निवेशकों को एक मंच पर लेकर आएगा। रक्षा मंत्री इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। मंथन में साइबर सुरक्षा पर चुनौतियों का शुभारंभ, आईडेक्स निवेशक केंद्र की स्थापना, निवेशकों के साथ समझौता ज्ञापन और रक्षा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी विकास सहित कई पहल होंगी। राज्य विधानसभा में भाजपा विधायक दल की बैठक आहूत की गई। बैठक में असम के नामित राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया का सम्मान किया गया। मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि भाजपा के वरिष्ठ सदस्य गुलाबचंद कटारिया का मानना है कि साथी विधायकों को अपने कार्य और व्यवहार से प्रदेश के विकास में संलग्न रहना चाहिए। वहीं कटारिया ने एक सवाल के जवाब में बताया कि पार्टी में नेता का चुनाव सामूहिक विचार विमर्श से होता है। तो हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में जो निर्णय होता है वो सामूहिक विचारों के बाद होता है। मुझे भी जब बनाया था प्रतिपक्ष का नेता तो सवेरे 8 बजे तक मुझे ही पता नहीं था कि मैं प्रतिपक्ष का नेता हूँ। इसका मतलब यह है कि हमारी पार्टी सब लोगों से बातचीत करने के बाद जो एक संवैधानिक तरीका है उसके आधार पर विधायकों के बीच में नाम को इन्वाइट करते हैं और विधायक दल की तरफ से चुनाव होकर के विधायक दल का जो नेता बनता है हमारी पार्टी का वो प्रतिपक्ष का नेता बनता है। तो हमारे यहाँ कभी इस बारे में कोई बहुत ज़्यादा गंभीर मामला नहीं मानते हम, बहुत आसानी से हो जाता है। इससे पहले सरकारी उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी ने बीएसई की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बजट सत्र की आगामी रूपरेखा बताई। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि नए चुनाव की अधिसूचना से पहले बजट की तमाम घोषणाएं पूरी कर दी जाएंगी। आज सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक हुई। आज मुख्य रूप से विधायक दल की बैठक के अंदर
लंबा जीवन राजनीति का राजस्थान में, विधायक के नाते, सांसद के नाते, मंत्री के नाते और नेता प्रतिपक्ष के रूप में, पार्टी के अध्यक्ष के रूप में, और अब नई दूसरी पारी, दूसरा दायित्व का निर्वहन करने की ओर अग्रसर हो रहे हमारे प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद जी कटारिया को आसाम का राज्यपाल बनाया गया है। एक तरीके से उन्हें शुभकामनाएं विधायक दल की बैठक के अंदर दी गई। वसुंधरा जी ने भी उनके साथ बिताए पलों को याद किया। डॉक्टर सतीश बुनिया जी ने भी अपने युवा मोर्चा के अंदर किए गए कार्यों को उल्लेख किया। राजेंद्र जी राठौड़ ने भी उनके साथ राजनीति के अंदर जिन पलों को, उनको भी साझा करने का काम किया और तमाम विधायकों ने भी उनको शुभकामनाएं दी। उधर बजट पर बोलते हुए कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने राजस्थान के बजट को महंगाई खत्म करने वाला बजट बताया और कहा कि इससे हर वर्ग के लोगों को लाभ मिलेगा। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा जो बजट पेश किया गया है 10 फरवरी को, उसमें चर्चा होगी। कल भी नहीं करते माननीय पक्ष और विपक्ष के 2 दर्जन से ज्यादा माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। 16 को बाद में फिर सदन के नेता उसमें जवाब देंगे और 17 को फिर जो है वो 2 प्राइवेट बिल रखे जाएंगे और उसके बाद के अंदर फिर अवकाश रहेगा 27 तारीख तक और 28 तारीख को फिर विधानसभा का वापस सत्र चलेगा और फिर जो है डिमांड चालू हो जाएगी 28, 1, 2, 3, 4 तक और फिर होली की छुट्टियां होगी 8 तक और 9, 10, 11 फिर डिमांड पे चर्चा होगी। अलग अलग डिमांड्स रखी है स्पीकर साहब ने, कई ऐसी डिमांड जिन पे कभी चर्चा नहीं हुई उस डिमांड के ऊपर भी चर्चा होगी और महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। देखिए सीएम साहब ने जब राजस्थान में सरकार बनी थी उस वक्त भी घोषणा पत्र को एक दस्तावेज मानकर कहने का अधिकारियों को निर्देश दे दिए थे और 4 साल में जितनी भी बजट घोषणाएं हुई है, मैं खुद भी प्रभारी मंत्री हूँ, पहले जोधपुर का था, अब सिरोही का हूँ, वहाँ पर हम जाते हैं बराबर, वहाँ पर मॉनिटरिंग करते हैं कि सीएम साहब की बजट घोषणाओं में कौन कौन सी क्रियान्विति हुई है, कौन सी नहीं हुई है, जो नहीं हुई है उनको हम करवाने की अपनी ओर से वहाँ पर पूरा प्रयास करते हैं। और उसी क्रम के अंदर 10 फरवरी को बजट पेश हुआ और 2 दिन की छुट्टियों के बाद में तुरंत जो है उसके ऊपर क्रियान्विति होना शुरू हो गई है। राज्यपाल कलराज मिश्र से जयपुर स्थित राजभवन में असम के नामित राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने भेंट की। अपनी शिष्टाचार मुलाकात के दौरान राज्यपाल मिश्र ने कटारिया को राज्यपाल के तौर पर भावी कार्यकाल के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं। इस साल बोर्ड की परीक्षाओं में 21 लाख विद्यार्थियों ने 10वीं कक्षा के लिए और 12वीं कक्षा के लिए करीब 17 लाख विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिसके लिए देशभर में 7,200 से ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बारा में अत्याधुनिक पशु पक्षी अस्पताल का उद्घाटन किया। बड़ा बालाजी धाम पर बनाया गया यह अस्पताल देश का पहला हाईटेक निःशुल्क पशु पक्षी चिकित्सालय और मोबाइल ट्रेमा सेंटर है। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी और पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा मौजूद रहे। पशुओं के लिए आधुनिक मशीनों के साथ में जो मनुष्यों के लिए होती है, एक्सरे मशीन हो, फोनोग्राफी हो, ऑपरेशन थिएटर हो, आउटडोर हो, इंडोर हो, इस तरह की व्यवस्था मैंने देखी नहीं कभी। ये प्रमोद जैन भाई ने, इस संस्था ने जो काम अद्भुत किया है, जिसको मैं साधुवाद देता हूँ उनको, क्योंकि मैंने 2003 के अंदर पहली बार मैंने गौशाला के यहाँ पर इसी जिले में उद्घाटन किया था और 20-22 साल के बाद में देखता हूँ कि एक के बाद एक गौशालाएं खुली है और ये पशु पक्षियों तक पहुंच गए, पक्षियों तक पहुंच गए। पक्षियों का जिस रूप में आधुनिक तरीकों से वहां मैंने देखा इंतजाम, कैसे ऑपरेशन के पहले, उसके ऑपरेशन के दौरान, ऑपरेशन के बाद में किस प्रकार से रिकवरी हो, वहां तक व्यवस्था कभी देखी नहीं। पक्षियों के लिए भी तो आप कल्पना कर सकते हो तो कि वो व्यक्ति काम कर सकता है जिसमें जीव दया हो। चित्तौड़गढ़ में पुराने चिकित्सा भवन में 100 बेड का सैटेलाइट अस्पताल खोलने की राज्य सरकार की घोषणा के अनुरूप तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। धरोहर प्राधिकरण बोर्ड के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह जाड़ावत और जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोषवाल ने अस्पताल भवन का निरीक्षण किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोषवाल ने कहा कि शहर के निकट सैटेलाइट हॉस्पिटल बनने से
आम जन को चिकित्सा सुविधा में का भी लाभ मिलेगा। साथ ही सर्व सुविधा युक्त अस्पताल बनने से यहां के मरीजों को अब इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। भारत सरकार द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके तहत नाबार्ड की ओर से राजीविका के माध्यम से बीकानेर की श्री डूंगरगढ़ तहसील के बेनीसर में मसाला उत्पादन इकाई स्थापित की गई है। इकाई का उद्घाटन करते हुए जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद ने बताया कि महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से इस इकाई में काम करने वाली महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। वहीं मसाला इकाई में काम करने वाली महिलाओं ने कहा है कि स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलने से उनका जीवन स्तर सुधरेगा। आज राजीविका के क्लस्टर लेवल फेडरेशन जिसका नाम बेटी बचाओ, उन्होंने एक यूनिट यहाँ पर ग्राइंडिंग की और पैकेजिंग की, जो स्पाइसेस हैं उनकी शुरू की है। पहले भी नाबार्ड के द्वारा राजीविका की स्वयं सहायता समूह है उनको वित्तीय मदद दी जा रही है। यहाँ पे एक सैनिटरी पैड का उत्पादन यूनिट भी पहले शुरू हुआ था जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी आई है टेक्निकल रिपोर्ट्स में। जो हमारी उड़ान योजना अंतर्गत सैनिटरी पैड्स सप्लाई हो रहे हैं उसमें अब उनको आगे सप्लाई किया जाएगा। उद्देश्य यह है कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से सभी महिलाएं जो है वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बने, अपने परिवार को मदद कर सके ताकि उसमें आत्मविश्वास का संचार हो। डूंगरगढ़ के बेनीसर गांव में 150 बहनों के साथ आज मसाला यूनिट उत्पादन शुरू करने का कार्य प्रारंभ किया गया। आदरणीय जिला कलेक्टर महोदय द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है और इस पूरे ब्लॉक के अंदर लगभग 3000 SHG की वुमेन्स से लाभान्वित होंगी, जो कि आसपास में और अपने गांवों में अपने खेतों में उत्पादित मसाला को प्रोसेस करेंगी, उसको तैयार करेंगी और उसको पैकेजिंग के साथ बाजार में बेचने के लिए उपलब्ध कराएंगी। पुरानी रूढ़िवादी जो रीति रिवाज है उनको छोड़कर मैंने बाहर निकली हूँ और हमारे गांव में उसमें भी मैंने 20 समूह बनाई है, उसमें से 200 महिलाओं को भी मैंने आगे लाई हूँ और अब आगे भी हमने लोन लिया, बहुत महिलाओं को जागरूक किया है, बहुत काम किसी का गाय भैंस सिलाई मशीन बहुत लोग महिलाओं की मदद की है मैंने और बहुत इस राजीविका से हमको बहुत बहुत जो है हमको फायदा हुआ है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली की ओर से आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत भारत रंग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। जवाहर कला केंद्र जयपुर में आज से 20 फरवरी तक 3 भाषाओं में 6 नाटकों का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव की जानकारी देते हुए भारत रंग महोत्सव के जयपुर प्रभारी ऋषिकेश शर्मा, JKK की थिएटर मैनेजर बबीता मदान और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की चेतना वशिष्ठ ने बताया कि देश भर में 10 शहरों में 80 नाटकों का मंचन किया जाएगा। जयपुर में प्रतिदिन शाम 6:30 बजे नाटकों की प्रस्तुति दी जाएगी। भारत रंग महोत्सव जो जयपुर में हो रहा है ये 15 से 20 के बीच में हो रहा है। इसमें एक मणिपुरी, एक मल्टीलिंगुअल और हिंदी नाटक और एक राजस्थानी नाटक अपना यहाँ पे हो रहा है और इसका उद्देश्य यही है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग थिएटर से जुड़ पाए और नई फौज जुड़े, ये अच्छी बात है। और ये 10 शहरों में हो रहा है अपने भारत के, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि 10 शहर इंक्लूड हो रहे हैं, पहले और कम थे बट इस बार 10 शहर इंक्लूड हो रहे हैं और इसकी टिकट फ्री है। मैक्सिमम लोग जो आना चाहें, जुड़ना चाहें से जुड़ सकते हैं। 15 से 20 के बीच में ये है और इसके साथ में हमने एक टॉक शो भी रखा हुआ है, डायरेक्टर टॉक शो। वो 15 का अगर शो है तो 16 का होगा, अगर 16 का शो है तो 17 होगा, नेक्स्ट डे होगा इसका। वो आज़ाद भगत सिंह यूथ क्लब की ओर से पुलवामा शहीदों की पुण्यतिथि के अवसर पर जयपुर में तृतीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के आयोजक मानव सिंह ने बताया कि शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए युवाओं ने रक्तदान किया। इस मौके पर RSS प्रांत प्रचारक शैलेंद्र, महानगर प्रचारक विशाल, सेना अधिकारी कैप्टन राजेंद्र प्रसाद ने रक्तदाताओं को पौधा भेंट कर उज्ज्वल भविष्य की कामना की। आज ये पुलवामा में जो शहीद हुए उनके 4वीं वर्षगांठ है, इस उपलक्ष्य में जहां जवानों का खून बहा है वैसे ही रक्तदान शिविर रखा है ताकि हमारा खून दे करके हम उनकी यादगार में किसी के प्राण बचा सकें। और वैसे भी जो 3 प्रकार का दान सर्वश्रेष्ठ होता है, पहला जीवन देने के लिए रक्तदान, दूसरा जीवन बचाने के लिए अन्नदान और तीसरा वंश चलाने के लिए कन्यादान, इसलिए सर्वश्रेष्ठ दान है। इसलिए युवाओं में यह है कि हमारे भाइयों का आज के दिन रक्त बहा है तो हमारा रक्त भी किसी काम आए, इसलिए ये रक्तदान शिविर रखा गया है। पुलवामा में शहीद हुए शहीदों की शहादत में आज़ाद भगत सिंह यूथ क्लब द्वारा
तृतीय विशाल रक्तदान का आयोजन किया गया है। ये सभी युवा शक्ति यहाँ पे उपस्थित है, जो न कि आज एक 14 फरवरी को ही रक्तदान शिविर में रक्तदान न देकर समय समय पर जब भी किसी जरूरतमंद लोग को रक्त की जरूरत पड़ती है तो ये हमेशा दिन रात तैयार रहती है। और हमारे आज़ाद भगत सिंह यूथ क्लब से प्रतिवर्ष लगभग 100 से ज़्यादा हम कैंप के अलावा भी हम जरूरतमंद लोगों की सहायता करते हैं और आगे भी इसी प्रकार करते रहेंगे। और आइए अब एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो बंगलुरु में सफलतापूर्वक जारी। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साक्षी बंधन समारोह की करेंगे अध्यक्षता। 75,000 करोड़ के अनुमानित निवेश के साथ 251 समझौता ज्ञापनों पर किए जाएंगे हस्ताक्षर। विधानसभा में भाजपा विधायक दल की हुई बैठक। राज्यपाल के लिए नामित गुलाबचंद कटारिया का किया गया सम्मान। राज्यपाल कलराज मिश्र से राजभवन में असम के नामित राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने की भेंट। मिश्र ने कटारिया को राज्यपाल के तौर पर भावी कार्यकाल के लिए दी शुभकामनाएं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाएं आज से होंगी शुरू। परीक्षा के लिए देश भर में 7,200 से ज्यादा बनाए गए हैं परीक्षा केंद्र। और प्रदेश में फिर से बदला मौसम का रुख। उत्तरी हवाओं का प्रभाव कम होने से तापमान में 4 से 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी की गई दर्ज। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।